तो कैसे हो दोस्तों? और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के बीच में जो हो रहे टेंशन्स के ऊपर। तो हम यहाँ पे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इंडिया और चाइना के बीच में चल क्या रहा है। देखो, इंडिया और चाइना के बीच में जो LAC पर चल रहा है, LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बहुत लोग इसको LOC से कन्फ्यूज हो जाता है। देखो, LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है? तो ये बात कंफ्यूज मत होना, LAC इंडिया और चाइना के बीच में है लाइन, और वो लद्दाख रीजन में आता है। वैसे इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा गुजरती है, ये याद रखना, SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो होप कि आपको LAC और LOC का क्लियर हो गया होगा। देखो, वहाँ क्या हो रहा है LAC में, ठीक है? कहा जा रहा है कि इंडियंस जब वहाँ पर गए थे ये पेट्रोलिंग पे, तो चाइनीज़ ने मतलब बाई धोखे से उन्हें कैप्चर कर लिया था, ठीक है? तो उसके रिस्पांस में इंडिया ने उस पर रिटेलिएट किया, और इंडिया ने इस कदर रिटेलिएट किया है कि हमारे 20 के बदले उनके 40 अप्रॉक्स, मतलब 35+ हैं, और क्योंकि 35 तो US ने कंफर्म किया है, ठीक है? वैसे इंडियन मीडिया की माने तो हमारे 43 के आसपास हैं, ठीक है? तो हमने उनके 43 जवान को ख़त्म किया है, और बदले में हमारे 20 गए हैं, ठीक है? तो ये बात देखो दर्शाता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ में इंडिया चाइनीज से आज बहुत आगे है। हाँ, आर्म्स एंड एमिनेशन में शायद वो हमसे जीत जाते हैं, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ की बात आती है तो इंडिया इज़ द बेस्ट। और मुझे लगता है कि शायद ही वर्ल्ड में इससे कोई बेस्ट होगा फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में, और जब बात पहाड़ी इलाके में लड़ने की हो तो इंडिया सबसे बेहतर है, क्योंकि इंडिया के पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, ठीक है? और देखो, चाइना को बैकफुट पे कैसे धकेला जा सकता है, मतलब ऐसा हम क्या करें कि चाइना मतलब बैकफुट पे आ जाए? तो यहाँ एक सिंपल सा आपको बताया जा रहा होगा इसमें कि बॉयकॉट देम। लेकिन बॉयकॉट कैसे कर पाएंगे भाई, जब मार्केट में उन्हीं की मोबाइल आ रही है सस्ती सस्ती, या उन्हीं के ऐप आ रहे हैं सस्ते सस्ते, वो भी मतलब आराम से जो हमें अवेलेबल हो जा रहे हैं, तो कैसे होगा? वो जब तक आप उसका विकल्प ना दोगे, तो इंडियन गवर्नमेंट को उसका विकल्प देना होगा। उन्हें बैन करने से काम नहीं चलेगा, बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। आप उसका विकल्प ला कर दो, वो ऑटोमेटिक ही बैन हो जाएंगे। मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा जहां आप विदेशी माल को छूना भी पसंद नहीं करोगे, उसके मुकाबले आपको इंडियन ही पसंद पड़ेंगे। जैसे आप, अगर मैं कहूं कि आपको कौन सा बिस्किट पसंद है, तो आप फटाक से या तो पार्ले जी का कोई प्रोडक्ट का नाम लोगे, और कोई भी ले लो, क्रैक जैक, मोनैको, ठीक है? तो ये सब क्या है, इंडियन है। च्यवनप्राश हम लोग तो डाबर का ही खाते हैं ना, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें इंडियंस काफ़ी पसंद है, ये चीज़ें, ये इंडियन प्रोडक्ट है, और इन्हें पसंद भी हम लोग काफ़ी करते हैं, क्योंकि ये हमारे क्या बोलते हैं, दिल के काफ़ी करीब हो चुका है। और ये इस कदर से इनका प्रचार किया गया है डोमेस्टिक लेवल पर कि ये हमारे दिमाग में एक अच्छा इमेज बना चुके हैं, ठीक है? कॉलगेट के मुकाबले हम लोग दंत कांति को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये कैसे होता है? देखो, सब खेल एडवर्टाइजमेंट का है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो कोई चमत्कारी चूर्ण खिलाता है हमें या देते हैं, ठीक है? तो सब खेल एडवर्टाइजमेंट का है। तो इंडियन गवर्नमेंट को एडवर्टाइज अच्छा करना चाहिए, ताकि उनके प्रोडक्ट्स यानी इंडियन प्रोडक्ट्स काफ़ी बिके, और चाइनीज़ का विकल्प यहाँ हमारे पास हो, तब जा करके इंडियंस अपनी देशभक्ति शो कर पाएंगे। वरना आप खाली पेट किसी को कहो कि देशभक्ति शो करेगा, तो वो ऐसे नहीं कर पाएगा भाई, वो एक पर्टिकुलर जगह जा करके वो आपका साथ छोड़ ही देगा। तो पहले आप विकल्प दो, उसके बाद तो देखो फिर कैसे बतिया उखेड़ा जाता है, ठीक है? हम भी अपना देशभक्ति शो करेंगे, ठीक है? तो मैं एक छोटा सा आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई तभी हम लोग इंडिया जीत सकता है जब इंडिया पूरी तरह से तैयार हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर के हर तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड हो, या फिर आप बात करो किसी भी टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, तो हमें उनके बराबर जाके खड़ा होना होगा, और उसके लिए हमें पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, और उसके लिए हमें बाहर से ज़्यादा से ज़्यादा FDI मंगाना होगा,
और अपने डोमेस्टिक को खासकर इम्प्रूव करना होगा। बिना डोमेस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव किए आप चाइना को टक्कर नहीं दे सकते हैं। फिर ये सारी बातें खोखली हो जाएंगी कि हम लोग चाइना को ये हरा देंगे वो हरा देंगे, ऐसा आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो खैर अभी तक के लिए तो इतना ही है, और LAC पर हमने चाइना को उसकी औकात दिखा दी है।